हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बन इको सिस्टम पॉलीगन ब्लॉकचेन पर तो डिप्लॉयमेंट हो चुका है, ये हम चेक कर सकते हैं कॉइन मार्केट कैप पर जाकर। और यहाँ पर हमें लगातार इसका प्राइस भी अप देखने को मिल रहा है, कल भी हमने इसको कवर किया था अपनी लास्ट वीडियो में। अब बात ये आती है कि बन इको सिस्टम यहाँ पर जब OES पॉलीगन पर चला गया है तो इसको हम क्या जैसे ट्रस्ट वॉलेट जैसे वॉलेट होते हैं या बाइनेंस जैसी एक्सचेंज है वहाँ पर होल्ड कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि कोई अगर ये चाहता है कि भाई मैं अपने वन को इस वैलेट में वन इको सिस्टम में ना रखकर डिसेंट्रलाइज वैलेट में रखना चाहता हूँ तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है, और है तो वो कौन से वॉलेट हैं जिसमें हम इसको रख सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैंने जो बातचीत की थी उसी का मैं स्क्रीन शॉट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो यहाँ पर आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें मिली है वॉलेट से रिलेटेड कि क्या हम वन इकोसिस्टम को डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे ही हम जो मतलब बातचीत जब कर रहे थे उसमें यहाँ पर है व्हाट डू यू थिंक द वन इकोसिस्टम पोर्टफोलियो कुड बी। तो ये एक लंबी बात का डिस्कशन था, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर एक्सिट कर सकते हैं। यानी कि अगर बट जैसे किसी के पास 1001 कॉइन है और वो अगर बाइनेंस एक्सचेंज पर चले जाते हैं 45 यूरो के रेट पर तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी, वो यहाँ पर बातचीत चल रही थी। अभी देखिए यहाँ पर सिस्टम ऑलरेडी रिफ्लेक्ट दीज फोर वैलेट्स एज यू आर सीइंग देम एंड बी कुड चूज द यूनिस्वैप वैलेट द कंपनी वांट्स इट, बी कुड यूज़ द मेटामास्क वन एज वेल और गो टू वैलेट कनेक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिस्वैप वैलेट को यूज किया जा सकता है, मेटामास्क को यूज किया जा सकता है, वैलेट कनेक्ट को यूज किया जा सकता है और कॉइन बेस वैलेट बी कैन चूज दीज वैलेट। तो ये चार वैलेट हैं जो कि यूज किए जा सकते हैं, चूज किए जा सकते हैं फ्यूचर में वन को होल्ड करने के लिए। बट सिंस द कंपनी हैज कंट्रोल ऑफ ऑल द कीज इट इज़ द वन हु हैज़ टू डिसाइड वेदर टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ इम्प्लीमेंट्स वैलेट कनेक्टेड ऑफ दीज लेवल्स। तो यहाँ से ये बात तो कंफर्म हो गई कि फ्यूचर में हम अपने वन कॉइन को या OES को इन डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो वैलेट में देख सकते हैं, इसकी जो सियोरिटी है वो बढ़ गई है। अब देखिए इन वॉलेट को हम किस तरीके से गूगल पर अभी चेक कर सकते हैं, अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो प्ले स्टोर से इनको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी वॉलेट ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से क्रिप्टो को होल्ड करने के काम में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम यूनिस्वैप वैलेट देख लेते हैं, क्योंकि ये वैलेट आपको एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइस में मिल जाएगा। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो भी इस वैलेट को इंस्टॉल कर सकते हैं और एंड्रॉयड पर भी कर सकते हैं। यूनिस्वैप वैलेट इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनिस्वैप एक्सचेंज पर ही इसकी ट्रेडिंग होती है वन कॉइन की, और इसके लिए जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं यानी कि वन को किस तरीके से मैनेज करना है ये फीचर्स केवल पॉलीगन ब्लॉकचेन पर ही पाए जाते हैं, इसलिए इसको पॉलीगन ब्लॉकचेन पर ट्रांसफ़र किया गया है और यूनिस्वैप उस फीचर्स को इम्प्लीमेंट करने का सही से मौका देती है, इसलिए यहाँ पर यूनिस्वैप एक्सचेंज के थ्रू ही इसको ट्रेड किया जाता है। और जब एक्सचेंज को यूज़ कर रहे हैं तो वैलेट भी यूनिस्वैप काफ़ी अच्छा रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आप फ्यूचर में इसको यूनिस्वैप वॉलेट में भी चेक कर पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे। आगे देखिए मेटामास्क की अगर हम बात करें तो मेटामास्क भी वेब थ्री ऐप के लिए किया जाता है, डेफी को सपोर्ट करता है, NFT भी यहाँ पर है, तो मेटामास्क वॉलेट में भी आप इसको चेक कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप पॉलीगन से डाटा यूज़ करके इसको ट्रस्ट वॉलेट में भी वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन मेटामास्क जो है इथीरियम क्योंकि वन कॉइन ERC20 टोकन है, हालांकि ये पॉलीगन पर जा चुका है लेकिन ये ERC20 टोकन है और ERC20 टोकन को मेटामास्क जो है इनिशियली सपोर्ट करता है, तो मेटामास्क पर भी इसको इन फ्यूचर चेक किया जा सकता है। इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर कॉइन बेस वैलेट है द की यू वर्ड ऑफ क्रिप्टो, कॉइन बेस वर्ल्ड की बाइनेंस के बाद दूसरे नंबर पर बड़ी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मानी जाती है और कॉइन बेस बैंकिंग सिस्टम का लाइसेंस के साथ जो है मार्केट में अवेलेबल है, और वन कॉइन भी कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनको फॉलो करता है, तो कॉइन बेस पर भी मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप फ्यूचर में वन इकोसिस्टम को OES को होल्ड कर पाए। इसके बाद जो लास्ट हमारा बचा हुआ है दैट इज़ वैलेट कनेक्ट, तो वैलेट कनेक्ट भी वेब थ्री स्टैंडर्ड टू कनेक्ट ब्लॉकचेन्स और डी ऐप के थ्रू, ये भी मेटामास्क
कि आप एक समझ सकते हैं कि सपोर्टिव कंपनी है, मेटामास्क से रिलेटेड ही है, मेटामास्क वाले पूरे फीचर्स इसके अंदर हैं। और जो नए प्रोजेक्ट ज़्यादातर आते हैं वो वैलेट कनेक्ट उनको अभी फ़िलहाल में सपोर्ट कर रहा है, तो इसको जो है मोर सिक्योर माना जा रहा है मतलब करंट टाइम में जितने भी नए वैलेट आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में। तो ये चार वॉलेट हैं जिनको हमने एक एक करके देखा, इनके फीचर्स भी देख लिए, और यहाँ से हमें ये पुख्ता जानकारी भी मिली है कि आने वाले टाइम में हम OES को इन फोर वैलेट्स पर देख सकते हैं। ये 100% श्योर नहीं है कि किस वैलेट पर देख पाएंगे, लेकिन वन इकोसिस्टम का अपना वॉलेट तो है ही जिसको कस्टोडियल वैलेट भी कहते हैं, लेकिन ERC20 टोकन होने की वजह से और यूनिस्वैप पर इसको ट्रेड किया जा रहा है, तो यूनिस्वैप वैलेट में भी देख सकते हैं। ERC20 टोकन है इसलिए मेटामास्क पर भी देख सकते हैं। कोइन बेस बैंकिंग सेक्टर से जुड़ने वाला है या जुड़ा हुआ है, बैंकिंग सेक्टर की सभी फैसिलिटी को वो फुलफिल करता है, तो इसलिए कोइन बेस पर भी देख सकते हैं और हम इसको वैलेट कनेक्ट पर भी देख सकते हैं। तो यही थी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।